ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं लोचमोहिनी मंगलं पुण्यकुन्दाजो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु साधिनं। मंगलमय मंगलकरं वीतिराग्निज्ञान नमोताया ते वये हरिहंतादि महान। कलिमंगल करियो मां याते मिले समाज था पावे निज पदराज। नमो हरियंताणम नमो चिताणम नमो आयरियाणम नमो भुवनायाणम नमो लोये सवताओ। आचार्य कल पंडित टोडर मजल अचित मोहन प्रकाशक जी विराजमान व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि का निरूपण चल रहा है और उसी के अंतर्गत सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप में सात तत्वों के प्रति प्रदान की चर्चा कल तक संपन्न हो गई। आइए आज से अपन सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप उस पर थोड़ा सा स्वाध्याय करें। अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ, वो लाइट भी बंद कर दीजिए ना, एक दो नंबर लिखा होगा। अच्छा भैया ने चालू। अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ, शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है, इसलिए यह शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। वहां सीखना सिखाना याद करना बाँचना पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं। इस उद्देश्य में मुझे कार्यकारी क्या है तो अभिप्राय नहीं, स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है और बहुत से जीव उपदेश माने वहाँ संतुष्ट होता है, परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है और अवसर पाकर पर का भी भला होता हो तो पर का भी भला करे तथा कोई उपदेश ना सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विषाद करे। शास्त्रार्थ का भाव जानकर अपना भला करे। देखो पूजनी पंडित साहब रविंद्र जी साहब की रचनाओं में ये सब बातें कहीं ना कहीं से पद्य रूप में है। पहले दया करो अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, यदि विकल्प तो कुछ आवे तो भी संबोधन समतामय हो, यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव न हो, नहीं माने वही सब विचारों जिससे किंचित खेद न हो, हीन भाव जीवों का लगकर ग्लानी भाव नहीं मन में हो, कर्मोदय की अति विचित्रता समझो स्थिति करण कर। समझ में आता, नाना जीव है, नाना जीवों के नाना उदय है, नाना प्रकार की स्थिति है, जरूरी नहीं कि सब जीव सबसे सबको समझ जाए, ठीक है ना। ये सामान्य बात थी, प्रकरण सम्यक ज्ञान के मिथ्या स्वरूप का चल रहा है। तो देखिए पंडित साहब कहाँ से चालू कर रहे हैं कि अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है, इसलिए यह शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। अभी वस्तु स्वरूप की यथार्थ जानकारी कहाँ से होती है, जिनवाणी से। तो जिनवाणी में सम्यक ज्ञान के निमित्त भूत यही लिखा है कि तुम खूब स्वाध्याय करो, खूब शास्त्राभ्यास करो, तुम एक दिन सम्यक ज्ञान रूप प्रवर्त जाओगे, परिणम जाओगे। तो वो उसने शास्त्राभ्यास चालू कर दिया, तत्पर हो गया, उसमें जमकर स्वाध्याय करने लगा, तो अभी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान कैसे है, तो उसका पंडित साहब खुलासा कर रहे हैं। इसलिए शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। देखना अभी इतनी बार पढ़ के पहली गलती क्या कर दी उसने,
पहली गलती कि शास्त्र अभ्यास करने का अर्थ था शास्त्र में आए हुए तत्व का अभ्यास करना, तो उसने तत्व का अभ्यास नहीं किया, वो क्या करने लगा, शास्त्री शास्त्र पढ़े जा रहा, शास्त्री शास्त्र पढ़े जा रहा। वे कह रहे थे आत्मा पढ़ना शास्त्र में से, वो कह रहा हम शास्त्र पढ़ रहे क्योंकि शास्त्र में से सम्यक ज्ञान। तो पहली गलती तो ये करी। फिर देखो वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, वाचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। क्या कह रहे, सीखना पर किस लिए सीखना, किस लिए सीखना, सिखाने के लिए सीखना, सुनाने के लिए सीखना। जैसे बच्चे होते हैं ना, अभी 10 लक्षण आ रहा तो भी सीख रहे, उन्होंने नाटक भी कर लिया, तो नाटक करने के बाद यहाँ बोल कर गए कि टीवी देखना पाप है, नेट देखना पाप है, फेसबुक देखना पाप है, और घर जाए करे पापा आपने कहा था नाटक अच्छे से करोगे तो मोबाइल देंगे, ला मोबाइल दे। तब उन्होंने जितनी पूरी एक्टिंग करी तो उनको क्या लाभ हुआ उसमें से, कि कुछ नहीं। ऐसे ये जो सीखता है तो किस लिए, किस अभिप्राय से सीखते हो तुम, किस लिए सीखते हो, सिखाने के लिए। आप देखना व्यक्ति यहाँ से जो भी सीख के जाता है जल्दी से दूसरे को बताता, भैया ऐसे ऐसे करना हो, खुद वही करता रहेगा जो कर रहा है। तो तुमने किस लिए सुना, इसलिए पंडित जी कह रहे कि सीखता है किस अभिप्राय से। फिर सिखाना, अब सिखाने में दो काम होते हैं, सचमुच तुम्हें सामने वाले की हित की पड़ी है या सामने वाला ये समझ जाए कि हम भी कुछ हैं। किस लिए सिखाना, मान के लिए सिखाना कि ज्ञान के लिए सिखाना, अभिप्राय नहीं पता। याद करना, किस लिए याद करना भैया, किस लिए याद करना, कि लोगों को भी पता चले कि आखिर स्वाध्याय जीव है, चार से गाथा है, चार से ग्रंथ पता है, इसको ऐसा हवा में नहीं है, इसके लिए याद करें। अभी हम भैया जी के यहाँ गए थे ना मिलने, तो वो कुसुम बुआ जी आते हैं ना, उनका नाता नाई, तो नाना जी हमने एक पाठ याद कर लिया है, तो भैया जी बोले बेटा 10 करो कम से कम, 10 दिन है तो, नहीं हमने एक कर लिया और हम सुनाएंगे मंगलाचरण के साथ पाठ सुनाएंगे, बताओ उसने किस लिए याद किया, सुनाएंगे इसलिए याद कर रहा है, किस लिए, कि हम बम्बई जाके सुनाएंगे जी वाली भक्ति सुनाएंगे, हम हमने याद कर ली है, तो तुम कोई काम के नहीं हो, तुमने दूसरे के लिए याद किया, अपने लिए याद नहीं किया। अरे अपने को सुबह दोपहर शाम भगवान की याद आए, खाली हो तो पाठ गुनगुना ले, इसके लिए याद नहीं किया तुमने। ये पता है, एक घोकना एक आमनाए नाम का स्वाध्याय होता है ना, उसमें ये पाठ वगैरह आते हैं, पाठ करता है व्यक्ति, उसको बारंबार उस बात को दोहराता है, अनुप्रेक्षण करता है। तो याद करना, बांचना, किसके लिए बांचना, सुनाने के लिए बांचना, समझाने के लिए बांचना। तुमने हमसे पूछा भैया जी वो गाथा में क्या लिखा, हम कल बताएंगे, अब हम किसके लिए पढ़ रहे, तुम्हें बताने के लिए पढ़। पंडित साहब कई बार कहते हैं सुनने के लिए पढ़ के नहीं आएगा, सुनाने के लिए पढ़ के आएगा, पर हम देखते हैं इतना अंतर होता है। कभी हमको स्वाध्याय करनी होती है ना राजेश भैया, वो गुरुदेव श्री का सीडी चलता है, तो उस दिन हम दूसरे ढंग से सुनते हैं, जिम्मेवारी से, फिर हम देखेंगे अरे आज ये कह रहे हैं, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ ये ऐसा निकल रहा है, और हमें जिस दिन नहीं सुनना वो दिन बोलेंगे। हमें खुद देखा अंतर, आपको जिस दिन प्रवचन करना हो उसको उस दिन उसमें से इतने रहस्य निकलेंगे जी, बहुत जरूरी बात है, कोई इसमें जी अर्थ निकल रहा, और जिस दिन प्रवचन नहीं करने होंगे उस दिन टाइम पास कल में आता भैया। मतलब हम एक प्रकार से देखा जाए तो दूसरे के लिए सजग हैं, अपने लिए सजग नहीं। मतलब आपने 10 दिन, अभी 10 दिन क्या तैयारी करी अपने लिए, 90% लोग अच्छे से काम करोगे, नए लोग आते हैं, नए लोग को लगा तुम भी तो नए हो, अभी जब तक तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो गया तब तक तुम नए हो, तो तुमने अपने लिए क्या तैयारी करी। इसके लिए कह रहे कि याद करता है तो सुनाने के लिए, वाचना पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग रमाता है, और इसका दूसरा अर्थ भक्तांबर का पाठ तो करता है, पर भक्तांबर में क्या लिखा है वो उसे पता ही नहीं। अभी कितनी माता जाने जो नियम नहीं भक्तांबर का, हम देखते रहते हैं टू इन वन,
जैसे कई बहनें वहाँ बैठ जाती, माता है ना, तो वहीं बैठे ऐसा मुंह कर लिया, सुनते भी जा रहे ऐसे, बड़ी तेज पड़ गया भाई तुम्हारी, भक्त संवाद का पाठ भी चल रहा, भैया जी का स्वाध्याय भी चल रहा, बहुत तेज पड़ गया, इतनी पड़ गया तो हमारी भी नहीं है। अरे तुम अन्याय क्यों कर रहे हो भाई? अपने डॉक्टर भी उदाहरण देते ना कि 10 लक्षण में कोई छोटा सा बच्चा गया और कोई बूढ़ी माता बोली भैया पास में आ जाइए, तेरे तत्वार उसको पास सुना दो, तो बोले माँ, बोले हमारा नियम है बेटा हम पे दिख नहीं रहो, तो वो सुनाने बैठा तो माँ अपनी यहाँ वहाँ, माँ सुन रहे कि नहीं, तुम सुना जाओ जी, यहाँ देख रही बात देख रही, तो माँ तुम्हें सुनने वनने है नहीं, तुम पूरा तो कर दो 10 बार तत्वार उसके 10 रुपया पूरे तो कर दे, तो ऐसे पूरा नहीं हो रहा। हम मालूम आज तक कहते आप तो नाराज मत हो ना, नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो आप, अभी इतना सारा कर सका अधिकार तक का समय सार निकल गया, मैं आपसे पूछता हूँ आप बताओगे 2-4 गाथा पीछे की, कहाँ गई कहाँ चली गई, ऐसी चल रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जितनी देर आके बैठे उतनी देर जो सुन लिया सुन लिया। अरे लेकिन क्या कहना चाह रहे, हर मालूम ऐसा अपन ने सुना है कि आचार्य परमेश्वरी को एक शब्द कम लिखना पड़े ना तो गर्भ के बच्चे जैसी खुशी होती है, जैसे माँ को गर्भ से बालक हो ना ऐसी एक एक शब्द बचाने में खुशी होती है, तो उनने 2 गाथा लिखी तो एक ही बात लिखी होगी, फुर्सत में बैठे अमृतचंद्र आचार्य, अपन तो कहते हैं इसमें भी वही बात है इसमें भी वही बात है और उसी ढंग से अपन सुन लेते, अरे नहीं है भैया तुलनात्मक अध्ययन एक एक पर, 181, 82, 83 है तो 3 में 1 में द्रव्य कर्म की चर्चा, 1 में भाव कर्म की चर्चा, 1 में 9 कर्म की चर्चा, इसलिए कह रहे बाँचो पढ़ो तो इसके पीछे अभिप्राय क्या है, ये सब बातें टोड़े मजीद साहब ने आगे भी लिखी है निकल गई है, पढ़ता है तो पढ़ता रहता है, बाँचता है तो बाँचता रहता है, मानो ऐसे सुनता जैसे किसी और की ही, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता जैसे भैया भैया जी आ रहे हैं सुनील भैया तो माता है मैंने देख लेना, तो बेमानो कोई दूसरे की चर्चा चल रही तो अपने सुने चलते रहते कि 10 दिन आ रहे थे थोड़ा शालीनता से रहना ऐसा रहना इनके लिए काले वाले कपड़े के लिए हमारे लिए नहीं, अरे तुम्हारे लिए भी है, इसमें अपनी हित की कथा है, अपने एंगल से सुनो अपने एंगल से पढ़ो अपने एंगल से विचारो, इसलिए वो कह रहे हैं कि पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग रमाता है परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। जैसे देखना आप पवन भैया बताओगे नरक के बंद का कारण क्या है, बहु आराम बहु पड़ेगा, ये आपको पता है आप रोज पढ़ते हो, इसका क्या अर्थ होता है, जो बहुत आराम मतलब बहुत व्यापार आदि करता है वो बहुत परिग्रह करता है वो नरक जाता है, और तुम्हें महिमा अम्मानी की आ रही और तुम नहीं कमा पाया तो ढीले ढीले हो रहे, और तुमसे ज्यादा कोई नहीं कमा लिया तो खुश हो रहे, तो फिर ये पाठ तुमने किस लिए पढ़ा था, कि पाठ बस पढ़ा था इसके अभिप्राय को नहीं समझा था कि श्री गुरु कह रहे हैं कि अति आराम व परिग्रह में लगोगे तो नरक जाओगे, तो तुमने उसका अभिप्राय नहीं समझा उस पाठ का, तुमने पाठ पढ़ लिया बस ऐसे पढ़ रहा है, पाठ पढ़े हो चलो, इसलिए कह रहे अभिप्राय पर ध्यान ही नहीं, किस लिए कह रहे, क्या कहलाता 4 गति, क्या कहलाता 5 भाव, क्या कहलाता है 5 परावर्तन, भैया तो भाई सुना रहे थे 20 कोड़ी सागर क्या, एक एक काल एक एक समय एक एक बार देह धारण करना कैसा विचित्र संसार है, सब सुनते हैं चले जाते हैं, सोचते नहीं श्री गुरु क्यों डरा रहे हैं, तो डरा भी रहे तो जिस संसार से तीर्थंकर डरे उससे तुम नहीं डर रहे, सुबह हो गया गीत क्या दुष्ट चित्त हो क्या, पंडित जी ने 3-3 विशेषण लगा दिए, अभिप्राय देखो क्या अभिप्राय किस लिए बोल रहे हैं, किस लिए मालूम, अभी तो जिनवाणी के वचनों के अभिप्राय को भी नहीं पकड़ते कि श्री गुरु के सापेक्षा कह रहे, आपके मन की नहीं हुई तो आप नाराज हो गए, आपके मन की हुई तो आप खुश हो गए, पंडित साहब कहते हैं जो मन की जिनवाणी सुनने आए हैं जो मन मर्जी पर उतारू हैं वे तो मारीची के जैसे होने वाले हैं, क्योंकि उसने मन मर्जी चलाई थी और 1 नंबर से कौन से नंबर में पहुंचा था 24वें, इसलिए मन मर्जी नहीं, जिन आगम के अभिप्राय को समझो क्या कहना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं जिन आगम के हिसाब से सोचो, ये लिखा है ना आगम चक्खू साहू, आगम किसकी आंख है साधु की आंख, उस आंख से देखने की कोशिश करो,
तब आपको दुनिया सही दिखाई देगी, नहीं तो दिखाई नहीं देगी। परंतु उसके अभिप्राय पर दृष्टि नहीं है, इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है तो अभिप्राय नहीं है। समझ में आए अभिप्राय का अर्थ कि मेरे प्रयोजन की इसमें कौन सी बात है, ये बात पढ़कर मुझे कौन सा प्रयोजन निकालना है इसमें से, मुझे जिनवाणी की ये पंक्ति पढ़ के कौन सा लाभ हो रहा है। मतलब आप एक पेज पढ़ा तो अपने आप से पूछो, एक पेज पढ़ने के बाद हमें आज इसमें से क्या मिला, हमने इसमें से क्या लिया। जैसे आप भैया कई बार ऐसा करते ना किसी के साथ खड़े होकर दो चार बातें, मतलब भैया तो हमें इन बातों से क्या लेना मिला। मतलब आपकी वो बात कोई रिलेटिव हो, आपसे कोई काम की हो तो बात टाइम खराब नहीं लगता, और काम की बात नहीं हो तो बेमतलब टाइम खराब किया तुमने, फिर मतलब की बात नहीं थी। ऐसे आपने कुछ पढ़ा तो आज आपका क्या मतलब निकला है, इसमें कौन सा प्रयोजन की पूर्ति हुई। अब उतना सोचते ही नहीं, पढ़े चले गए तो पढ़े चले गए तो आपको समय ज्ञान नहीं होगा क्या, क्योंकि अभिप्राय के बदलने का नाम है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, सिर्फ ऊपर के व्यापार का नाम नहीं। परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है तो अभिप्राय नहीं है। और देखना अपन कार्यकारी भी दूसरे का लगाते हैं, जिनके लिए लिखा है जिनके लिए लिखा है जिनके लिए लिखा है, भैया जिनवाणी में जो लिखा है वो तुम्हारे लिए लिखा, और आप दूसरे की तरह इशारा कर दोगे तो आपका कल्याण तो नहीं होगा ना, और दूसरे का कल्याण भी जब उसको गलत लगेगा तब उसका होगा, नहीं तो उसका कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए आपके प्रयोजन की कौन सी बात है तो आपको देखनी पड़ेगी। अभी जैसे ऐसा लगता ना, जैसे अभी बहने आई थी आरती बहन, तो बोले बहने अपने कुछ माता बहने या रात में रोकी, तो पुरुष बोले अपना कोई काम नहीं। कैसे काम नहीं, जब तुम अपनी पत्नी को स्वीकृति दोगे तब तो वो रोकेगी, तुम्हारा काम नहीं है। तो आप अपने प्रयोजन की बात देख के जाओ ना, कि हम अपने घर पर कह देंगे कि जाओ बहनों के साथ रहो कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। समझना था, ऐसे जिनवाणी में हर एंगल से जो ही बात है तो आपके प्रयोजन की, आप अपना प्रयोजन दूर उसमें क्या है। अब ये अभी भैया सुबह कह रहे थे ना कि आप घर से सीढ़ी ला के रख गए, तो सतीश भी अपन को लगता बेकार रख दी, लेकिन तब ये सोचो हम होते तो रखते कि नहीं, हम होते तो रखते कि नहीं। समझा था, दूसरों को अपराधी सिद्ध करने में बहुत मजा आता है, लेकिन अवसर पड़ने पर हम भी ऐसा अपराध करेंगे कि नहीं इसका चेक तो करो पहले। अरे वो आज रख गया तुम्हें बुरा लग रहा, लेकिन तुम तो इसके पहले कितने सामान रख गए। तो वो उपदेश सबके लिए था, अपन ने किस पे लगा दिया, वन मैन शो। ऐसे जिनवाणी की हर पंक्ति कुछ ना कुछ कह रही है आपसे, आप उसका हार को समझने की कोशिश करो। समझ में आता भैया, अपन एक पंक्ति आती है अपने बड़े पंडित साहब की रचना है विराधना का फल, आती ना, पाताल खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो, बहते हुए झरने कहें धो मिथ्यात्मल, देखो देखो ये जीव की। अब भी वो पाठ काय के लिए लिखा है, कैसी विराधना जिन भैया, कैसी विराधना, कैसी विराधना मालूम, कैसी विराधना। यहाँ आप आ रहे, यहाँ से यहाँ तक चीटी की लाइन चल रही, आपने ऐसे पैर रखा और मंदिर के दर्शन करने चले गए, कठोर परिणामी हो तुम। अभी तुम्हारे पास जितने लोग आएंगे उनको कुचलते हुए चले जाएंगे, तुम्हें इतने जीव बिछे हुए देख रहे हैं, तुम्हारा परिणाम नहीं होता कि झाड़ू लगा के अलग करवा दें इसको, या तो अलग कर दे। इसको कहते पाषाण बनने वाले हो तुम, कठोर आदमी हो। अब ये पाठ हमने पढ़ा भैया पंडित साहब के मुख से ही सुना था बहुत पहले, बोले कभी वैराग्य पाठ संग्रह ऐसी पुस्तकों को उठाकर एक तरफ से अर्थ सहित वाचन तो कर लो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी भावना वाले क्या कहना चाह रहे हैं। अभी वो अपने अरुण वर्धमान भैया आए थे ना भोपाल वाले, अब मुझे उस दिन कितनी अच्छी लगी भैया जी ने यहाँ से दोहराई बात राजेश भैया कि वो बोल रहे कि बड़ा वाला शांति पाठ करो, उसमें कितनी अच्छी भावना भाई है। हो बे सारी प्रजा को वलयुह तो धर्मधारी नरेशा, हो बे वर्षा समय पर दिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा, हो बे चोरी न जारी बरसे हो न दुष्काले मारी। मतलब पूरे विश्व में कहीं अति वर्षा हो रही कहीं, तो तुम भावना तो भाव की एक लेन देर
अच्छा जो है ऐसा हुआ, कितनी अच्छी भावना है। लेकिन जब भैया आपको इसके अर्थ पता होंगे तब, नहीं तो भैया जल्दी किया करो यार, शांति पाठ करो जल्दी, अब टाइम हो रहा, टाइम हो रहा। आज मालूम भाई साहब का एक स्वाध्याय सुन रहे थे तो कहने लगे हम गुवाहाटी गए तो उन लोगों ने कहा बोले 24 घंटे लगते हुए कलकत्ता आने में गुवाहाटी से, तो बोले पंडित साहब फ्लाइट में चले जाओ टाइम बचेगा समय बचेगा, तो बोले हम समय ही बचा रहे अपने, ट्रेन में करा दो मैं टिकट। बोले क्यों, 24 घंटा कोई नहीं रहेगा तो अपने आराम में करेंगे, हम समय बचा रहे हैं, हम जल्दी पहुंच के क्या करेंगे कलकत्ता। ऐसे तुम जल्दी कहाँ जाना चाह रहे हो, अरे जब तुम यहाँ पे भगवंतों के सामने अपनी भावना ही सजोने आए हो तो दो मिनट अच्छी भावना तो भाव। तो भैया मालूम भाव, आज सारा अनुष्ठान भावना शून्य दिखता है। अपन लोग ये पढ़ते ना भैया ये प्रतिमा पे छाल पढ़े तो सुंदर पाठ है, अरे भक्ति रत्न से जड़ते आज मंगल सिंहासन, वेद ज्ञान जल से चालित भावों का आसन, स्वागत है जिन राज तुम्हारा सिंहासन पर, हे जिनदेव पधारो श्रद्धा के आसन पर। ये चार लाइन पढ़ो तो ऐसा लगे कि बिछ जाओ, हीरो दधि समीर से करूं बिंब प्रसाद, अब हाथ में रखा है वो ऐसा लगे कि क्षीरो दधि समुद्र से लाए, अब परिणाम कहाँ के कहाँ हो गए, झटपट झटपट में। अरे फल परिणामों का लगता है क्रिया का नहीं लगता। और पहली पंक्ति परिणामों की स्वार्थता के निमित्त दिन इसीलिए मैं निराखता इनमें निज प्रतिबिंब, मतलब कितनी ऊंची भावना, इसलिए मैं निराखता इनमें निज प्रतिबिंब, उससे विशुद्धि होती है। अब फल आपकी फोटो हम आपके सामने फाड़े तो कैसा लगे, ऐसी ऐसी करे तो कैसा लगे, यदि ये मेरा प्रतिबिंब है तो कितनी विनय होगी, अब कितनी सलीके से रखा जाएगा, कैसे प्यारे भगवान है, हम भगवान को इंतजार कराएंगे कि भगवान का हम इंतजार करेंगे। जैसे एक एक के पीछे वो अपना जो बड़ा पाठ चलता ना संडे को होता भैया, वो तो इतना गजब है, बहुत ही सुंदर है, एक एक पंक्तियाँ कितनी हैं, कितना हाथ सफल होते हैं किससे, पावन मेरे नयन भये तुम तरास से, पावन पानी भये तुम चरणनी परास से, पावन मन है गयो तिहारे ध्यान से, पावन रसनामानी तुम गुण गान से। ऐसा लगे ना भैया, मतलब आपकी आंख का रोग हो तो रोग दूर हो जाए, पावन मेरे नयन भये तुम दरस, ये तो मतलब है सुख भोगने का मार्ग है, संसार में भुगत तो रहेंगे, दो पांच मिनट बाद चले जाएंगे, पांच मिनट और भगवान के पास बैठ लो, ऐसा सुंदर रूप आपको विश्व में अद्वितीय कहीं दूसरा दिखेगा। हमें मालूम इतनी महिमा आती है, हमें फुहारे से निकलते हैं ना जी, ये झंडा मुंडा देखते हैं रोज, ऐसा लगता भगवान हमारे कौन से भाव का पुण्य फला होगा, हमें कम से कम ओरिजिनल भगवान तो मिले, बाकी तो सब धोखा खा रहे, कैसे मूर्त बन रहे हैं, कहीं व्रत कर रहे हैं, कहीं उपवास कर रहे हैं, बच्चा बच्चे तुम्हारे व्रत से बच्चे बड़े होंगे, बच्चे फलेंगे फूलेंगे, अरे बच्चों को अच्छा संस्कार दो, वे कम पैसा कमा कर भी ज्यादा सुखी रहेंगे, और विपरीत संस्कार दोगे तो खूब पैसा इकट्ठा कर दो मिटा के घर देंगे। इसलिए पंडित साहब कहते हैं संपत्ति से भी ज्यादा संस्कारों की सुरक्षा की जरूरत है, आज संस्कार विहीन समाज कैसी होगी। भैया खूब खूब जिन शासन को फैलाने की भी खूब सोचो, आज गुरुदेव श्री के प्रताप से, मैं तो कहता हूँ भैया जी के प्रताप से, आज हमारे नगरी में इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण है, तो हम लोग को इतने दिन इतनी तत्व की बात जिनवाणी सुनते मिल रही है, हम ये सब धीरे धीरे गायब कर देंगे तो कल फिर कौन जिनवाणी सुनाएगा। आज हमारे एक परिचित का बच्चा था छोटा सा, वो तो बहुत रो रहा था जम कर, तो हमने कान लगा के सुना, पास में था, मैंने बात क्या है, बोले मुझे गणपति चाहिए, मुझे गणपति चाहिए, फेंके लगा रहा गणपति चाहिए, गजब हो गया, वो छोटा सा बच्चा उसको संस्कार ही नहीं। फिर उसकी दादी ने कहा बेटा अपन जैन है, अपने गणपति नहीं रखते, अपने भगवान महावीर हैं, अपने घरों में भगवान नहीं रखते, अपने मंदिर में भगवान होते। वो सब सुनता रहा, बाद में कहता मुझे दुकान जल्दी भेजो, मुझे मैं गणपति लेने ही आया हूँ,
ऐसा सब होता है, मैं सबके बराबर होगा लालू से तो गणपति ले। आपको पता है ये बानगी है, अभी आप जाते नहीं हो, बाहर जाकर देखो घर घर यही काम हो रहा है। हम सागर गए 10 लक्षण में 2 साल पहले, तो किसी घर भोजन करने गए, भोजन करने गए तो उसके घर पर गणपति विराजमान थे और अच्छी साउंड पार्टी। तो मैंने कहा यार मैंने पहले देखा नहीं है, भोजन मैंने कर लिया फिर नजर गई, मैंने कहा मैं भोजन के पहले निपटाता कहानी है। फिर मैंने बाद में इनडायरेक्ट वे में कहा तो अभी उसको इस बात का गम नहीं था कि हम गलत कर रहे, गम इस बात का था कि आप हमें क्यों टोक रहे हो, दुर्दशा है। इसलिए हम तो गुरुदेव का बहुत उपकार मानते हैं। आज सारे देश में 13 पंथ की सद्भावना उस गुरुदेव श्री के निमित्त से पल रही है, ये तो 13 पंथ की सद्भावना भी नहीं पल रही है। और तत्व का तो गहरा संस्कार हमें गुरुदेव से मिल ही रहा है। इसलिए भैया एक एक बात के पीछे अभिप्राय विचारो। अब ये 10 दिन की कीमत अपन नहीं कर रहे, आपको मालूम है 365 में से 10 दिन कोई विशेष पुण्य होता है हमारा, क्योंकि आपको पुण्य मालूम, पुण्य का सिर्फ आपको संयोग लगता है, आपके परिणाम इन 10 दिनों में ऑटोमेटिक कोई दूसरी जाति के होते। आपसे कोई कहता घूमने चल रहे, नहीं नहीं ये 10 लक्षण है भैया, केला खा लो कि हमारी नहीं खाते भैया, शाम को भोजन की भैया शाम को तुम्हारा एक आसना है आज, समझ में आ रहा। ये परिणाम ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है, ये 10 ही दिन होते हैं 11वें दिन नहीं होते, ये भी तो ये पुण्योदय नहीं, हमें पुण्योदय का अर्थ लगता। सिर्फ एक दिन पंडित साहब से कोई बोला के ले अपना पुण्योदय नहीं है, तो कहने लगे बाप रे सच्चे देवसाज गुरु मिल गए, रोज देशना सुनने मिल रही, स्वस्थता बनी हुई है, भगवान के दर्शन रोज उपलब्ध हैं, और तुम कह रहे हमारा पुण्योदय नहीं है। पुण्योदय क्या कहलाता, सिर्फ 4 टुकड़े इकट्ठे हो जाना पुण्योदय कहलाता। आप भैया पता खूब शांति से पहली ढाल का विचार करो, मुझे दया आती है कमल अमरनाथ पर, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पूरा पुण्य खत्म करके दे पूरे प्रदेश भर की हिंसा का पाप लाद कर जीव सागरों के लिए नरक चला गया, तो कुछ मालूम नहीं चलेगा आज हमारा कितना पुण्य का उदय। कल भैया कह रहे थे, मनोज भैया ने परसों स्वाध्याय ली थी, जब वो कह रहे थे एक नमोकार मंत्र सुन के तो जीवंदर कुमार वाला कुत्ता। तो सती भैया अपन को रोज भगवान की देव पूजा मिल रही, सेवा मिल रही, सत्कार मिल रहा, कम से कम हमें सागरों के लिए नरकादी तो भगवान ने वैसे ही बचा लिया हमें। हम सोचते रहे आज दिया तो हमने कि यार अपन को स्वर्ग वर्ग की तो चिंता करनी, जब एक नमोकार मंत्र वाला स्वर्ग जा रहा तो हम तो जीवन लगाकर बैठेंगे इस मार्ग में, लेकिन हमें तो कोई दूसरा काम करना है ना, वो काम कब करोगे। फिर पता ही रोटा पोटी में कुछ नहीं रखा, ये तो त्रियंश भी रोज व्यवस्था बना रहे हैं अपनी, उसमें क्या रखा, भव अभाव, भाव का अभाव करने के लिए मिला ये जीवन दूसरे काम। इसलिए जिनवाणी की एक पंक्ति हम भैया पंडित साहब से सीखते हैं, बात जब वो पढ़ते तो हमें लगता है यार इनकी कितनी गहरी सोच होती है इस पंक्ति के पीछे, जब इनने व्यक्तिगत स्वाध्याय की होगी तो इसके पीछे कितनी बातें सोची होगी, किस ढंग से स्वाध्याय करी होगी, कौन से विचार चले होंगे। पर हम तो कई बार मालूम खुद सोचते हैं 3 कसाई के अभाव वाले मुनिराज की सोच कपड़े पहने पहने तुम कैसे निकाल लोगे, उनने 3 कसाई के अभाव में लिखी थी वो पंक्ति, कितनी विशुद्धि होगी उसके पीछे, कितना चिंतन होगा उसके पीछे, और तुम सोचने भी तैयार नहीं हो, यूं पढ़ के निकल जाते हो, सोचो तो कैसे लिखा, ऐन को खलु शब्दों कैसे लिख दिया, हूँ परमात्मा छू कैसे लिख दिया। गुरुदेव श्री बहत्तर गाता है ना भैया, आत्मा कैसा है, आश्रव कैसा है, और आत्मा सूची नहीं लिखा, एक कुछ और लिखा है, एक शब्द और लिखा है, सूची ही है, और आत्मा लिखा है भगवान आत्मा। गुरुदेव श्री बोले 3 बार भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, गुरुदेव खुश हो गए, 3 कसाय ने अभाव वाले मुनिराज मने भगवान भगवान कह के पुकारते थे 3-3 बार, हूँ परमात्मा हूँ परमात्मा, समझ में आता मिल गया। ऐसे चाय जिसको कैसे परमात्मा कह दिया होगा,
मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जिसने समयसार उठा लिया उसे अमृतचंद्राचार्य ने परमात्मा कहा, लेकिन जिसने उठाई नहीं थोड़ी कहा। हमारा स्वभाव तो देखो कितना है, हम अलग वास्तव में सोच रहे थे कि ना हमें इतना सुंदर धर्म कैसे मिला, लॉटरी हमारी खुली है, सबकी नहीं खुलती। आपको मालूम मैं नाम नहीं लेता, एक अपने बीच के ही थे, मैं ये भी नहीं कहता यहाँ के थे कहाँ के थे, वो बेचारे दंपत्ति सर्विस करते थे तो उनको सब लोग बहुत प्रेरणा करते थे कि आप आओ मंदिर आओ, तो उनको समय नहीं मिलता था। अब रिटायर हो गए ना तो उन दोनों दंपत्ति में से एक व्यक्ति गुरुदेव श्री से चिढ़ने लगे, तो अब मंदिर आना बंद। समझ में आता भगवान भैया, जब तक आपका दिमाग ठीक था तब तक आपका पुण्य नहीं था यहाँ आने का, जब आपका पुण्य यहाँ आने का बना तो आपका दिमाग खराब हो गया, अब बंद आना। मानो कैसा हो रहा आता है कि यदि पुरुष का दिमाग खराब हुआ है तो जब पत्नी मंदिर आने के लिए कहती है उसी समय 10 काम बताता है आपको भैया, अभी ये काम कर लो ना, पहले ये काम कर लो फिर चले जाना, अभी ऐसा कर लो, 10 काम बताएगा ताकि ये मंदिर में जाने पाए। मैं मानो इस प्रसंग में कई बार सोचता हूँ एक एक दिन का पुण्य अलग अलग है। अभी अपने भैया जी का उदाहरण सामने है, 2 दिन पहले स्वस्थ व्यक्तित्व, इतना बड़ा पर्व आ रहा है, लेकिन देखो सामने वाले का पुण्य नहीं होगा, देखना नहीं मिलनी होगी तो कैसे बना हुआ है। वो तो साधक जीव साधना कर लेंगे, लेकिन सामने वाले का पुण्य कैसा छीण होगा कि उसको देखना नहीं मिलेगा। एक एक दिन का पुण्य अलग अलग है। आप हमें आज भोजन कराओ कहो उतने प्रेम से कराओ, कल उतने प्रेम से नहीं कराओ, पुण्य खत्म। एक एक दिन का पुण्य अलग है, एक एक दिन मंदिर आने का पुण्य अलग है। कई कई बार नहीं आ पाते, आज पुण्य नहीं है आपके पास, आज आप नहीं जा पाओगे, आज आपको नहीं सुनने मिलेगी देखना। भैया जी के मुखारविंद से सुनने का पुण्य अलग है। अभी कितने दिन ऐसे होते हैं जब भैया स्वाध्याय करते रहते पर लोग आते ही नहीं है, मंगल मंगलवार से तो खाली हो जाता है। अब देखो तुमने उस दिन पुण्य गवाया, इसलिए भैया एक एक बात खूब सोचो, खूब विचारो कि 10 दिन कोई अद्भुत मौका है, और सबसे अच्छी बात तो ये कि मुमुक्षुओं को है ये मौका भैया, क्योंकि 10 दिन तत्व की देशना उन्हें मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। आप यहाँ के 40 मंदिर हैं, 45 मंदिर हैं, आप चले जाओ पूजा पाठ के बाद कहानी खत्म, और पूजा पाठ का अर्थ भी नहीं पता है, कोई ना कोई डिमांड के लिए पूजा की जाती है। लेकिन आपको पता है जिससे विषयों में शुभ बुद्धि होती है उसे अनंतानुबंधी कसाय है, अनंतानुबंधी कसाय व्यक्ति की कसाय भगवान पूरी करेंगे। हमें ये दे दो हमें वो दे दो, भगवान कहते हम नहीं देंगे तुम्हें, इसमें तुम्हारा दिमाग खराब होगा और उसी में खत्म हो जाएंगे 10 दिन। समझ में आता है, इसलिए 10 दिन खूब जम कर आना। और जिन्हू भैया ये बंद करके दुकान 9:30 बजे नहीं, अपने किसी विद्वान को बुलाया है, देखो ये अपने जबलपुर का भाग है, सुनील भैया भी ऐसे नहीं मिलते। हम जानते हैं हम पे भी सब खबरें आती हैं, पूजनीय पंडित साहब की स्वीकृति होती है, लोग अलग से अमाइन जाते हैं भैया की स्वीकृति लेके आते हैं, लेकिन ये कोई अपना अनायास ही है कि अपना बनाओ उनका बन गया। अब आपको भी हमने अष्टानिका में सुना, अष्टानिका की परिणति अलग होती, 10 लक्षण की परिणति अलग होती, हम भी जाते हैं उसी गांव में, अष्टानिका की माहौल अलग होती है और 10 लक्षण की माहौल अलग होती है, अलग अलग जीव आते हैं। अभी पता भैया जी कितनी अच्छी बात बता रहे थे, कितने बोले बेटा जीव पता नहीं कहाँ पकता है, अपने डॉक्टर सारा साथ है ना भैया आई स्पेशलिस्ट, बोले वो बैठे थे तो कहने लगे भैया जी आप बरसों पहले बम्बई आए, तो बोले एक विदेशी व्यक्ति आया और बोले वो स्वाध्याय सुन रहा था, वो इंग्लिश जानता था हिंदी जानता नहीं, तो एक आध दिन उसको सुना तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया उसको, फिर दूसरे दिन वो सरस बाजी में बैठा होगा तो बोले भैया ये क्या कह रहे हैं, तो बोले हमने उसको थोड़ा बहुत हिंदी में बताया, अच्छा ये कह रहे हैं, तो बोले रोज आने लगा और रोज हमसे कन्वर्सन कराया उसका इंग्लिश में, और बोले हम उसको रोज इंग्लिश में बताएं, बाद में बोले जैन दर्शन तो बहुत अच्छा है, फिर फॉरेन गया तो दोबारा पता लगा के देवलाली आया, फिर देवलाली भैया जी के प्रवचन सुने तो प्रवचन सुन के फोन लगा के डॉक्टर सरस से अर्थ पूछे कि आज पंडित जी ये कह रहे थे उसका क्या अर्थ है, भैया जी बता रहे थे उसने शराब छोड़ दी, उसने मांस छोड़ दिया, उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया,
बोले कि जैन दर्शन वो ग्रेट। अब कह ले बेटा हमें तो पता ही नहीं था, आज वो बता के गया। मतलब वक्ता को नहीं पता कि 200 आदमी 400 आदमी में से कौन क्या पकड़ा, कहाँ पकड़ा। ये ऐसा अनुष्ठान है भैया, मैंने आज कॉल लगाया नीलेश जी को, मैंने भैया कैसा क्या है, तो कह रहे श्रेणी भैया 30-40% लोग अलग मिलेंगे शाम को आपको, जो सुबह नहीं मिले, क्योंकि बम्बई में सुबह दूसरे लोग आएंगे, शाम को दूसरे लोग आएंगे। बोले इसलिए आपको सब समय सब बातें बताना। गणपति का माहौल होता है, सुबह गाड़ी खड़ी करने नहीं मिलती, सुबह बहुत से लोग नहीं आए, शाम को नहीं आएंगे, सुबह दूसरे लोग आएंगे, 30-40% लोग बदल जाएंगे। आपको भैया बोलो अब हर बार कौन सा जीव कहाँ से पक जाएगा, आप तो जिनवाणी सुनाओ, खूब जमकर सुनाओ, तत्व की बात कराओ, पंतरावर्तन सुनाओ। न जाने एकाध जीव वो चढ़ गया, लग गया मार्ग में, तो वो लग ही जाता है। हम सागर गए, शास्त्री विद्वान थे, शास्त्री करके आ गए, 2-5-10 साल से मंदिर में इंटरेस्ट ही नहीं है, और 10 दिन जिनवाणी सुनने के बाद बोले भैया हमें ऐसा लग रहा हम फिर से शास्त्री कर लें, हमने 10 साल गवा दिए हमें, हम पवन भैया हमें यहाँ तक छोड़ने आए कि कौन सा जीव कहाँ से पक जाए, किसकी परिणति कैसी हो जाए। ये बहुत बहुत मंगल अनुष्ठान है, इस समय हमें बुलाना नहीं पड़ता, आदमी खुद आ जाता है, तो जब खुद ही आ गया है तो कुछ अच्छी बात बता दो उसको, सुना दो उसको, है तो जीव ही ना। मुसलमान भी जीव है, वस्त्रापुर में 2-2 मुसलमान है जो जैनी हो गए, पक्के परमानेंट जैनी हो गए। समझ में आता भैया, ये बड़ा सुंदर मार्ग है, मुश्किल से मिल गया है, आपको पता नहीं आपकी लॉटरी खुली है, मोदी जी से ज्यादा पुण्य हमारा। अभी दुर्लभ लई जो चिंतामणि लिखा, दुर्लभ लई भैया हम सोचते रहे चक्रवर्ती जैसा पुण्य तब 2 इंद्रिय की पर्याय मिलती है, खेल नहीं है। हमें कौन सी मिल गई मंगलारती, इतना ही नहीं सैनी जैनी मुमुक्षु, और मुमुक्षु बस नहीं, बहुत से नामधारी मुमुक्षु हैं, जैसे अच्छा लग रहा है जो रोज जिनवाणी सुनने आ रहा है, जैसे भगवान बनने की भावना है, भले संघर्ष हो भावना तो है। संतोष भैया जीवन के जितने दिन बचे हैं लगाओ इस पे, कुछ दर नहीं है, पछतावा है अनंत काल। हम मन भैया खूब सोचते हैं, अभी एक एक जीवों को जाकर देखो त्रियंत गति के, तो कोई सहारा नहीं है, और ना हम इनसे कन्वेंस कर सकते हैं कि देखो तुम जीव। लेकिन आज कितनी खुली प्रज्ञा है, पंडित साहब ने इसमें लिखा है पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में, आज तुम्हारा पुण्य इतना तेज है तुम जहाँ उपयोग लगाओ वहाँ लगता है। तो एक बार तत्व निर्णय में लगाओ ना भाई, जब लगता है तो बताओ, नहीं लगता बोलो लल्लू भैया अपन फेसबुक में लगाते वहाँ खुलता है, जहाँ तो तुम्हारा पुण्य इतना तेज है कि तुम उंगली जहाँ चलाते उसके अकॉर्डिंग काम होता, तो जिनवाणी में चलाओ, भगवान की भक्ति में चलाओ, प्रचार में चलाओ, कि मालूम कितना तेज पुण्य का लॉस हो रहा है अपना। एक दिन आपको सब कुछ करने का अवसर था, इतना तेज पुण्य था और आपने कुछ नहीं किया, एक दिन आपने आत्माराधना का दुर्लभ अवसर बर्बाद कर दिया। ऐसे 10 दिन आ रहे हैं, 10 दिन मुझे नहीं पता फिर हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, खूब जमकर काम करो, खूब इसमें बुद्धि लगाओ। जिनवाणी की कोई पंक्ति निकले तो इसमें मेरा कौन सा प्रयोजन है, ये जिनवाणी क्या कहना चाह रही है, हमने ये पता है इस सब प्रयोग किए श्रोता के स्वरूप में, कौन से 5 बोल हैं श्रोता के स्वरूप के, मैं कौन हूँ मेरा क्या स्वरूप है, ये भाव क्यों, ये चरित्र क्यों बन रहा है, इन भावों का क्या फल होगा, इसके बाद क्या लिखा, इतनी बात का निर्णय करके मेरा कुछ हित हो इसके लिए जिनवाणी उठाना स्वाध्याय करना, इतनी बातों का निर्णय करके फिर कुछ मेरा हित हो उसके लिए जिनवाणी उठाना स्वाध्याय करना वांचन करना पढ़ना लिखना समझना। समझ में आता भैया, मतलब मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, मैं अपनी भावना ही प्रेषित कर सकता हूँ, बात बाकी करना तो आपको है। ये मार्ग उधारी का मार्ग नहीं है कि मम्मी व्रत कर ले तो बच्चे का बढ़ जावे मनुष्य जीवन, ये तो यहाँ जो जितना करेगा उसको उतना मिलेगा। पेट का बच्चा भी अंदर माँ के परिणामों से संस्कारों से संस्कारित हो जाएगा तो उसको उसका फल मिलेगा, और नहीं होगा तो उसको उसका फल मिलेगा। इसलिए सम्यक ज्ञान के स्वरूप में
पंडित साहब यही कहना चाह रहे हैं कि आप बाँचो, लिखो, पढ़ो, जो भी करो, उसके पीछे के अभिप्राय को समझने की कोशिश करो कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं तो भावना शून्य क्रियाएं कोई फल देने वाली नहीं। ठीक ना, बाकी चर्चा फिर पर्व के बाद होगी। अभी यही विराम देते हैं।